महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि महाराष्ट्र में निलंबित सरकार के बाद से पिछले दो ढाई वर्षों में हमारी सरकार ने जो गति और प्रगति की है उसे लोगों ने देखा है। शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार परिवर्तनकारी योजनाएं लेकर आई है जो उसके काम की गति को दर्शाती है और लोग महाराष्ट्र की प्रगति देख रहे हैं। किसानों के लिए एक स्वतंत्र बिजली कंपनी की स्थापना की गई। इस कंपनी के माध्यम से हमने 14,000 किलोवाट सौर ऊर्जा का काम शुरू किया है। ये काम 15 से 18 महीने में पूरा होने के बाद किसानों को उनकी फसल के लिए 365 दिनों तक प्रतिदिन 12 घंटे बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। इस योजना से किसानों को 15,000 करोड़ रुपए की बचत होगी और उनका बिजली बिल अगले 25 साल तक माफ कर दिया जाएगा। सिंचाई के क्षेत्र में भी हमारी सरकार ने अभूतपूर्व काम किया है। हमारी सरकार ने 145 उन्नत सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी दी है और 22 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई के दायरे में लाया जाएगा। सभी परियोजनाएं हमने सूखाग्रस्त क्षेत्रों में शुरुआत की है और इसी तरीके से हमने नदी जोड़ो परियोजनाएं लाकर काम किया है। समाज में एक ऐसा तत्व नहीं बचा है जिसकी सरकार ने मदद नहीं की हो। हमने सभी समाज के लिए निगम बनाए हैं। हमारी सरकार ने अन्ना साहेब पाटिल कॉरपोरेशन की ओर से 1,00,000 मराठों को उद्यमी बनाए हैं। हमारी सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम किया है। बंदरगाह के विस्तार से लेके राज्य और देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। हम अपने घोषणा पत्र में अन्य योजनाएं लाएंगे। एक तरफ विपक्ष पार्टी इस योजना पर टिप्पणी करता है और दूसरी तरफ नई योजना लाने का वादा करता है। इससे ये पता चलता है कि विपक्ष बेनकाब हो चुका है। महाविकास आघाड़ी सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान सभी परियोजनाओं को रोक दिया। जिनके गृह मंत्री जेल गए हैं वे हमसे कानून व्यवस्था के बारे में पूछते हैं। उनकी सरकार में कैश फॉर ट्रांसफर घोटाला हुआ था जिसकी जाँच CBI कर रही है। कोरोना के दौरान आरोपियों को गाड़ी दी गई। हम महिलाओं को सुरक्षा देंगे। भले ही महाराष्ट्र नंबर वन है, विरोधी गुजरात को नंबर वन मानते हैं। विरोधी गुजरात के ब्रांड एम्बेसडर है। विरोधी सिर्फ फर्जी कहानी गढ़ते हैं, जनता फिर हमें आशीर्वाद देगी। शासकों को मुख्यमंत्री पद की चिंता है। विपक्ष से पूछे कि उनका चेहरा कौन है। मैं पवार साहब से अपील करता हूं कि मुझे बताएं कि आपका मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा। शंखनाद झालाय, अर्थात आमच्या करता शंखनाद झालाय, काहीं करता ऐलान झालाय। आमच्या महायुती सरकारने 2.25 वर्षांमध्ये जे काही कार्य केलेलं आहे त्याचं एक रिपोर्ट कार्ड आपल्यापुढे आम्ही ठेवतो आहोत। अर्थात हे संक्षिप्त रिपोर्ट कार्ड आहे, कारण आपल्याला ठळक बाबीच तुमच्यापर्यंत पोहोचवता येतील। सविस्तर त्यातला प्रत्येक मुद्दा आणि त्या त्या घटकांकरता केलेली कामं याची पुस्तिका आहे, त्याच्यामुळे ती काही आपल्यासमोर ठेवणं आम्हाला आत्ता संयुक्तिक वाटत नाही, ते आपल्यापर्यंत आम्ही पोहोचवू। स्थगिती सरकार गेल्यानंतर गती आणि प्रगतीचं सरकार हे गेल्या 2.25 वर्षामध्ये महाराष्ट्राने बघितलेलं आहे। या महाराष्ट्रामध्ये ट्रान्सफॉर्मेशनल, पूर्णपणे परिवर्तनीय, परिवर्तन करणाऱ्या अशा प्रकारच्या योजना आणल्या, या निश्चितपणे आमच्या कामाची गती आणि महाराष्ट्राची प्रगती या दोन्ही गोष्टी सांगणाऱ्या आहेत। महाराष्ट्र हे पहिलं राज्य आहे की ज्या राज्याने शेती विजेकरता स्वतंत्र शेतकरी वीज कंपनी स्थापन केली। या कंपनीच्या अंतर्गत 14,000 मेगावॅट वीज निर्मितीचं काम सुरू केलं सोलरच्या माध्यमातनं आणि पुढच्या 15 ते 18 महिन्यामध्ये याचं सगळं काम डिलिव्हर होईल आणि त्यानंतर महाराष्ट्रातल्या शेतकऱ्यांना 365 दिवसा वीज ही आम्ही उपलब्ध करून देऊ। हा आणि याच्याच आधारावर आम्ही शेतकऱ्यांना मोफत विजेची योजना आणली, त्यामुळे विजेच्या बाबतीत शेतकऱ्याला चिंतामुक्त करण्याचं काम हे आपल्या सरकारच्या माध्यमातून या ठिकाणी झालेलं आहे की शेतकऱ्यांना मागेल त्याला सौर पंप केवळ 10% पैसे भरायचे आणि त्याला सौर पंप मिळेल, 25 वर्ष विजेचं बिल येणार नाही। 5 वर्ष सगळी देखरेख ही सरकार करेल, चोरीला गेला तर इन्शुरन्स आहे, तुटफूट झाली तर इन्शुरन्स आहे आणि मागितल्यानंतर 3 महिन्यात त्याच्या शेतीमध्ये तो पंप लागतो, ही पण व्यवस्था आपल्या सरकारने केली आहे। मध्यंतरी महाविकास आघाडीचं सरकार होतं, या सरकारमध्ये एकाही प्रकल्पाला सुधारित प्रशासकीय मान्यता दिली नाही, त्यामुळे सिंचनाचं काम पूर्णपणे ठप्प होतं। आत्ता या सरकारमध्ये 145 प्रकल्पांना त्या ठिकाणी सुधारित प्रशासकीय मान्यता दिलेली आहे, ज्यामुळे 22,73,000 हेक्टर सिंचन क्षमता तयार होईल आणि आपण बघा सगळ्या महाराष्ट्रातल्या दुष्काळी भागामध्ये ही सगळी प्रकल्प आपण त्या ठिकाणी मान्य केलेली आहेत। अनेक दुष्काळी भागातले कामांची सुरुवात केलेली आहे, जे अशक्यप्राय वाटायचं। नदीजोड प्रकल्प वैनगंगा, नळगंगा, पैनगंगा नदीजोड प्रकल्प 90,000 कोटी रुपयाचा, नार पार गिरणा नदीजोड प्रकल्प आपण केला, पश्चिमी वाहिन्यातनं वाहून जाणारं जे पाणी आहे 55 TMC हे पाणी गोदावरीच्या खोऱ्यामध्ये आणून
गोदावरीचं तुटीचं खोरं हे बॅलेन्स करून मराठवाड्याला कायमचं दुष्काळमुक्त करायचं आणि नाशिक आणि नगर जिल्ह्यातले जे काही वादाचे विषय आहेत ते पूर्ण संपवायचे, या दृष्टीनं त्याचीही कारवाई आपण पूर्ण केली, वैधानिक कारवाई पूर्ण केली, त्याच्याही संदर्भात सगळं त्याचं फर्स्ट स्टेजचं टेंडर आपण त्या ठिकाणी काढलेलं आहे। त्यामुळे यातली कुठली योजना ही केवळ कागदावर नाही, सगळ्या टेंडर स्टेजला टेंडर निघालंय, अनुसंधान चाललेलं आहे। अशा प्रकारे सिंचनाच्या क्षेत्रामध्ये प्रचंड मोठं काम हे आपल्या सरकारने या 2.5 वर्षांमध्ये या ठिकाणी केलेलं आहे।